भारी बहुमत सरकार कांग्रेस बनने जा रही है। क्या मुख्यमंत्री जिस तरह से भाजपा का ये कहना है पिछले कुछ समय से कि 15 दिन में काफी चेंज हुआ है, टिकट बंटने के बाद कांग्रेस काफी नुकसान में, आपको लगता है सर? कोई फर्क नहीं पड़ा है, खाली परसेप्शन लोगों ने पैदा किया है, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, कोई दम नहीं है, शानदार विजय हो रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। और लेकिन ये एक आखिरी कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने जो पिछले कई रैलियों में कहा कि कैसे क्रिश्चियन मिशेल के आने के बाद राजदार हुए, देर दूर तक राज जाएंगे, अगुस्ता ये 5 साल तक कुछ काम किया नहीं लोगों ने, ना दिल्ली में ना जयपुर के अंदर, जब कुछ किए नहीं, उपलब्धि क्या बताए, तो ये लोग ऐसी बातें करते, राजदार की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी बुलंद शहर में जो कुछ हुआ वो घटना, ऐसी घटनाएं होगी, कभी हनुमान जी की जाति बताएंगे, यही काम करेंगे लोग, क्या उपलब्धि क्या बताएं लोग। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे काफी समय से रैली कर रहे थे और उसके बाद भी, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर के बारे में एक शब्द नहीं बोला, उसके बारे में आपका क्या कहना? ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये इनका लोकतंत्र में यकीन है ही नहीं, ये संवेदनहीन लोग हैं, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, निर्दोष लोग मारे जाए, इनको कोई मतलब नहीं है, ये सत्ता में काबिज हो गए हैं, झूठे वादे करके, और पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं लोग।